Subscribe my channel and press bell icon to keep the watching my new YouTube video. Assalamu alaikum dosto, welcome to my channel. Umeed karta hoon aap sab dost khairiyat se honge. दोस्तों एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ. वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए. हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम. इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बग़ैर मोबाइल नंबर के कैसे बना सकते हैं. अकाउंट बनाने से पहले इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ. इंस्टाग्राम एक सोशल ऐप है जिसके ज़रिए आप अपने दोस्तों के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोस शेयर कर सकते हैं. इंस्टाग्राम को अक्टूबर 2010 में आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर लॉन्च किया गया, तहम अप्रैल 2012 में एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च कर दिया गया. दोस्तों ये सिर्फ एक सोशल ऐप ही नहीं बल्कि एक अच्छी फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन भी है. इसके ज़रिए आप अपने फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ पर मुख्तलिफ़ फ़िल्टर लगा सकते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इसका अपडेटेड वर्जन तीनों सिस्टम आईफोन, एंड्रॉयड और विंडोज़ मोबाइल के लिए अवेलेबल है. इंस्टाग्राम पर दो टाइप्स के अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं. नंबर एक, पब्लिक अकाउंट. पब्लिक अकाउंट में आप जो भी पोस्ट शेयर करेंगे वो ओपन होगी, उसको वो यूज़र भी देख सकेंगे जिन्होंने आपके अकाउंट को फॉलो नहीं किया होगा. पब्लिक अकाउंट को यूज़र्स डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती. नंबर दो, प्राइवेट अकाउंट. प्राइवेट अकाउंट में पोस्ट भी प्राइवेट होती है. अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो कोई भी आपके अकाउंट में फ़ोटोज़ या वीडियो नहीं देख सकेगा. प्राइवेट अकाउंट को डायरेक्ट फॉलो नहीं किया जा सकता. फॉलो करने के लिए पहले रिक्वेस्ट आती है, अगर वो एक्सेप्ट की जाए तो तब अकाउंट फॉलो होता है. तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि अकाउंट कैसे बनाएँ. दोस्तों इंस्टाग्राम पर तीन तरह से अकाउंट बनाया जा सकता है, मोबाइल नंबर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या फिर फेसबुक आईडी के ज़रिए. तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगी. आपने सर्च करना है इंस्टाग्राम. मैंने ये पहले ही एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है इसलिए मैं इसको ओपन करूँगा. अगर आपके पास भी पहले इंस्टॉल है तो इसको ओपन कर लीजिए, वरना इसको पहले इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इसमें अकाउंट बनाना है, इसलिए हम साइन अप सेलेक्ट करेंगे. दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ तीन ऑप्शन है अकाउंट बनाने के लिए. फेसबुक के ज़रिए लॉगिन करके फेसबुक के ज़रिए भी हम अकाउंट बना सकते हैं, ईमेल के ज़रिए साइन अप कर सकते हैं और मोबाइल नंबर के ज़रिए. तो पहले मैं ईमेल के ज़रिए साइन अप करूँगा. दोस्तों आप दो टैब देख रहे हैं, एक फ़ोन है और एक ईमेल. फ़ोन में मोबाइल नंबर डिटेक्ट हो रहा है जो सिम मोबाइल में डाली हुई है, इसलिए आप इसको सेलेक्ट ना करें, आप ईमेल को सेलेक्ट कर लें. ईमेल लिखें यहाँ जिस ईमेल पर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना चाहते हैं. ईमेल लिखने के बाद नेक्स्ट करें. यहाँ अपना नाम और पासवर्ड लिखें. नेक्स्ट कर दें. यहाँ वो यूज़र नेम शो कर रहे हैं जो आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम होगा. अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज यूज़र नेम सेलेक्ट करें, वरना नेक्स्ट कर दें इसको. दोस्तों अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लें इसको, वरना इसको स्किप कर दें. अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट्स पर परमिशन देना चाहते हैं तो अलाउ कर दें, वरना इसको डिनाई कर दें. अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए ऐड अ फ़ोटो सेलेक्ट करें, चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी. Crop your photo. इसको नेक्स्ट करें.
इसके बाद फिर मोबाइल नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ गया, तो इसको आप स्किप कर दें। सेव लॉगिन इन्फो, अगर आप लॉगिन इन्फो सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें, वरना स्किप कर दें। तो दोस्तों ये इंस्टाग्राम का अकाउंट बन गया है ईमेल के ज़रिए। इसके 5 टैब हैं नीचे बॉटम में दिए हुए हैं। ये ऑप्शन आपके प्रोफाइल के लिए है कि आप अपनी प्रोफाइल ओपन करना चाहते हैं। ये ऑप्शन फॉलो के लिए है, जिनको आपने फॉलो किया होगा वो यहाँ शो होंगे। यहाँ आप अपनी फ़ोटो या वीडियो दे सकते हैं और यहाँ आप कोई अकाउंट या वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पॉपुलर इंस्टाग्राम अकाउंट और वीडियो वगैरह शो होंगी। और ये होम टैब है, होम टैब में उन इंस्टाग्राम यूजर्स की फ़ोटोज़ और वीडियो आएंगी जिनको आपने फॉलो किया होगा। इसके अलावा जो फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, इसके अलावा जो फेमस इंस्टाग्राम अकाउंट हैं उनके फ़ोटोज़ या पोस्ट वगैरह भी यहाँ शो होंगी। तो दोस्तों ये था ईमेल के ज़रिए इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना। अब मैं फेसबुक के ज़रिए अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको। दोस्तों अकाउंट बनाना तो आपने देख लिया, अब अगर इसको लॉग आउट करना हो तो वो कैसे करें, उसके लिए आप इन 3 लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ से सेटिंग ओपन कर लें, लॉग आउट, इसको लॉग आउट कर लें। यह ईमेल के ज़रिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का तरीका था। अब मैं बताऊंगा कि फेसबुक आईडी के ज़रिए कैसे अकाउंट बनाया जाए। तो आप सेलेक्ट कर लें लॉगिन विद फेसबुक, पहले अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करें। जब आप फेसबुक लॉगिन कर लेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू एज फेसबुक आईडी, जो भी आपकी आईडी होगी तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। दोस्तों अगर आप यही यूज़र नेम रखना चाहते हैं जो इंस्टाग्राम ने सजेस्ट किया है तो इसको नेक्स्ट करें, और अगर यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज यूज़र नेम सेलेक्ट करें। यहाँ वो सारे फेसबुक फ्रेंड शो होंगे जिनका पहले ही इंस्टाग्राम अकाउंट मौजूद है, इसलिए आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो सबको फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद नेक्स्ट करें, यहाँ प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। दोस्तों ये फेसबुक के ज़रिए इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने का तरीका था। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप दोस्तों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।